एडा, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? मैंने उसे बताया कि वो मुझे पसंद है और बात नहीं बनी। मेरा तो मजाक बन गया। काश मैंने उसे ये बताया नहीं होता। अब मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकती। सब खत्म हो गया। That is right. हाँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एडा प्लीज, दुखी मत हो। तुम बहुत ब्रेव हो। शायद वो ये बात अचानक सुनकर शर्मा गया होगा। तो फिर उसे चुप रहना चाहिए था। वो चाहता है जो मैंने कहा उसे भूल जाऊं और सोचूं ऐसा हुआ ही नहीं था। एडा थोड़ा वक्त दो। अगर उसमें तुम्हारे लिए फीलिंग होगी तो वो जरूर बताएगा। सब खत्म हो गया इसलिए मुझे शर्म आ रही है। I'm sorry, एडा। ओके गाइस, मैं चलता हूँ। अभी तो काफी टाइम है यार। एक्चुअली कल मुझे थोड़ा काम है। हाँ, तो हम सब भी काम कर रहे हैं। सिर्फ दो दिन काम किया है इसने। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। गुड बाय। सी यू सून। एडा, मुझे भी चलना चाहिए। क्या तुम कैब बुलवा दोगी? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मतलब हम छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम कैब से अकेली नहीं जा सकती। असला, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, सच में मैं चली जाऊंगी। देखो, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है। एडा, फिर से हैप्पी बर्थडे। खुश रहो, पार्टी बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आ जाई। तो अब चले? हाँ ठीक है, तो मैं इसे छोड़कर आ रहा हूँ। फिर मिलते हैं। हम तब तक निकल जाएंगे वोल्कान। वो दोनों साथ में कितने अच्छे दिख रहे हैं। काश वो साथ हो जाएं। यही अच्छा होगा, क्योंकि डेनिस का मौका तो गया हाथ से। चलो चलते हैं ना, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। ओके बुराक, तुम बिजनेसमैन बनके कितने बोरिंग हो गए हो। मिलते हैं एडा। बाय बाय। सी यू माय लव। हैप्पी बर्थडे। सी यू सून। बताओ, अब मर्द लग रहा हूँ ना? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम इतनी सुंदर औरत आखिर बन कैसे गए? मैं पहले भी औरत बन चुका हूँ। हरदम क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ तो, फ्रंट डेस्क पर काम करने से पहले मैं एक बहुत अच्छा एंटरटेनर था। कभी कभी औरत का रोल भी करता था मैं। मुझे तुम्हें खा जाने का मन कर रहा है। तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है, पता है तुम्हें? जान, अब क्या करें हम लोग, बताओ। जो तुम चाहोगी हम लोग वही करेंगे, पक्का। फिल्म देखोगी क्या? हाँ, या तो ऐसा करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। कॉफी चाहिए, चाय चाहिए? तुम रुको, मैं चाय बनाता हूँ। और अगर तुम्हें चाहिए कि मैं नहीं बनाऊँ, तो तुम जाकर के चाय बना सकती हो। हाँ, क्या ख्याल है? आयरदाम, पहले तुम शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं एक्साइटेड हूँ, इतना खुश हूँ मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या बताऊँ तुम्हें, मेरा बस चले तो साथ रहूँ तुम्हारे। हाँ, पर इतना आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। मैं यहाँ इतनी गर्मी में औरतों के कपड़े पहनकर क्यों आया? तुमसे मिलने तो आया, अच्छा हुआ कि आया। मैं एक बात बताऊँ, मैं भी तुमसे बहुत खुश हूँ। सच में? सच में। अब तुम रो क्यों रहे हो? नहीं तो खुशी क्या सुबह है। प्लीज खुशी के मारे भी मत रो। देखा, मस्कारा खराब हो गया। इसी वजह से आंखों में दर्द हो रहा है। ओ, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में जल रहा है एकदम। क्या दर्द है? ओफ, कोई बात नहीं। हाँ, प्यार में ये सब तो होता ही रहता है ना। मेरी बात सुनो, अब चलो कहीं चल के मजे करते हैं, क्या कहती हो? ओके, चलो अब फेस वॉश करो, फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ, मैं जाता हूँ और तुम कॉफी बनाओ ना। घंटी कौन बजा रहा है? अर्दम, अर्दम, तुम ये लो। क्या? ये लो, और कहीं जाकर छुप जाओ। प्लीज जल्दी करो। कहाँ जाऊँ? कहाँ छुप जाऊँ? जल्दी करो, कहीं जाकर छुप जाओ।
हेलो भैया, आप यहाँ? गुंजा, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मुझे लगा आप नहीं आने वाले हैं, तो मैंने अच्छे से लॉक कर दिया था। वो प्लान अचानक कैंसिल हो गया। मेरी गैर हाजिरी में तुमने उस बदमाश को तो नहीं बुला लिया? नहीं भैया, कौन सा बदमाश होगा, कम ऑन। गुंजा, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? हाँ भैया, मैं सच कह रही हूँ। गुंजा, अगर तुम मुझसे झूठ कह रही हो ना, तो मैं तुम्हारी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, और देखना उसे तो मैं आज जान से ही मार डालूंगा। भैया मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देखता हूँ, यही कहीं होगा। किधर गया वो? अगर वो मेरे हाथ लग गया ना। गुंजा डार्लिंग, आप कौन? अरे आप ही इसके भाई हैं। वेल, हाँ। मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम इफ्तालिया है। मिलकर अच्छा लगा। सॉरी हाँ, मेरी जो तबीयत थी ना, थोड़ी ठीक नहीं थी और बहुत थकान भी हो रही थी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे लड़कियों वाली बात है ना, तो लड़कियां ही समझ सकती हैं। अच्छा तो गुंजा, अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो मेरे पति गुस्सा करेंगे, इसलिए अब मुझे जाना होगा। हाँ हाँ, श्योर, सी यू, बाय। ओफो, ऐसी तबीयत खराब हो गई, क्या बताऊं। बाप रे बाप। क्या क्या करना पड़ता है। बाय बाय बाय। उतारो यार। गुंजा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ घर में कोई और भी है? पर भैया आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा ठीक है, जाओ और मेरे लिए कॉफी ले आओ। लेकर आऊं मैं? हाँ ले। हाँ ठीक है। पार्टी बहुत ही अच्छी थी, है ना? हाँ सच में, मैं अदा का रिएक्शन तो नहीं देख पाई, पर आई एम श्योर उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी। ऑफ कोर्स। बाय द वे, आने के लिए शुक्रिया। तुमने भी तो मेरे लिए इतना सब कुछ किया ही है। और हाँ, ये अच्छा हुआ कि तुम हर फोटो में मेरे साथ थी। मेरे कहने का मतलब है, वरना कुछ गड़बड़ हो जाती। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ थी। थैंक यू। तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लगता है। बुराक, थोड़ा धीरे ड्राइव करो प्लीज। मैं फास्ट नहीं चला रहा हूँ चाला। तुम तो ऐसे चला रहे हो जैसे तुम्हें कहीं जल्दी से पहुंचना है। स्लो चलाओ, ठीक है? हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें हो क्या गया है बुराक, तुम ठीक तो हो? चाला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, नहीं बताना है मत बताओ। थैंक यू माय लव। हमें कल मिलना चाहिए बुराक, मैं देख रही हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। देखते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो बुराक। सब वो मुझे परेशान करने के लिए कर रही है। सिर्फ फोटोज फैलाना काफी नहीं था, ये वही होगी।
और कौन हो सकता है? ओह नो, अब मैं वोल्कान को क्या कहूंगी? वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब इसे नाकारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं उसे नहीं खो सकती। अब क्या है? वोल्कान मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। मुझे तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। वोल्कान प्लीज मेरी बात तो सुनो। जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें एक और मौका देना मेरी गलती थी। अब सब खत्म हो चुका है, दोबारा कॉल मत करना। अब सब खत्म हो गया है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। पता था उसका कॉल आएगा। डेनिस, अब तो तुम बहुत खुश होगी चाला। मैं समझी नहीं। ऑफ कोर्स तुम समझ गई हो। तुम गलत इंसान से बात कर रही हो डेनिस। तुमने वो फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम नहीं चाहती थी कि हम दोनों एक हो जाएं। पर मैं तुम्हें इतने अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा प्लान लास्ट मोमेंट में बिगड़ गया। शायद झूठ का सहारा इतना ही होता है। जो भी हो, एटलीस्ट झूठ बोलने में तुम्हारे बॉयफ्रेंड जितनी शातिर नहीं हूँ। क्या बोल रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ओ कितनी इनोसेंट हो, कुछ नहीं समझती तुम। डेनिस क्या बोल रही हो तुम? बस तुम एक बात जान लो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब हम साथ नहीं थे तब वोल्कान उस लड़की के साथ था या फिर उसके साथ होने का नाटक कर रहा था? एक बार पता लगा लेना। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूं। अपनी कहानी अपने पास रखो तुम। हाँ रख दो फोन। तुम्हें विश्वास नहीं है पर अंदाजा जरूर है। अगर ऐसा है तो मैं पता लगा कर रहूंगी और तुम उससे बच नहीं पाओगे बुराक। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कहाँ थी तुम? इतनी लेट कैसे हुई? तुम्हें क्या? क्या मतलब मुझे क्या? तुम्हें इससे क्या लेना देना कि मैं कहाँ थी? तुम होते कौन हो पूछने वाले? क्या तुम बताने वाली हो या नहीं? मैं पार्टी के बाद सीधा घर आई हूँ। तुम कैसे आ गए? तुम तो वही थे ना जब मैं पार्टी से निकली थी। हाँ शायद ओवर स्पीड किया मैंने। कोई हमें देख लेगा। क्या मैंने जो कहा उसके बारे में सोचा? हाँ सोचा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती।
नहीं आसले, वो नहीं, दूसरी वाली बात। मुझे सताना बंद करो बुराक। मैं तुम्हें सता नहीं रहा हूं आसले, समझ गए? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है। आसले, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। पर यह पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैं नहीं पसंद करती। पसंद तो करती हो तुम, जानता हूं मैं। गुड मॉर्निंग बुराक सर। गुड मॉर्निंग। कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, कुछ कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं बस निकल ही रहा था। यू हैव अ गुड डे। अच्छा लड़का है लेकिन थोड़ा अजीब है। मुझे पता तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। संभालो, खुद को संभालो असला। अभी तक आई क्यों नहीं? मैं तो 6 बजे से इंतजार कर रहा हूं, मुझसे पहले तो जा नहीं सकती हो। असला बेटा तुम उठ गई? हाँ मैं उठ गई मॉम। कल रात बात नहीं हो पाई, बर्थडे कैसा रहा? अच्छा था मॉम। रात को मैं इंतजार करते करते सो गई, अचानक आँख खुली तो मैं डर गई कि अभी तक तुम नहीं आई। लेकिन देखा तो तुम परी की तरह चैन से सो रही थी। मैं आपको नींद से जगाना नहीं चाहती थी। उन्होंने तुम्हें घर तक छोड़ा था? हाँ हाँ घर तक छोड़ा। ओ मेरी बच्ची,
मॉम मुझे निकलना होगा। आज भी बिना ब्रेकफास्ट के जा रही हो? असल में गुस्सा हो जाऊंगी, तुम कभी नाश्ता नहीं करती हो और ऐसे जल्दी निकल जाती हो जैसे कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैं पहले ही बहुत लेट हूँ, जाने दो ना मुझे, बाद में मिलती हूँ। ठीक है बेटा, कुछ खा लेना, भूलना मत। हाँ ठीक है। रोज मुझे उससे मिलना पड़ता है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? मतलब अगर मैं दूसरी जॉब देखती हूँ तो मैं वोल्कन को क्या बताऊंगी? दिखता नहीं है क्या? हे हे, सुनो गॉर्जियस, कहाँ जा रही हो? क्या लड़की है, बात तो करो। हेलो, हे हे हे, क्या क्या, मैं हूँ। क्या क्या कर रहे थे तुम? अभी मैं तुम्हारा सर फोड़ देती। ठीक है, तुम नाराज मत हो, मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे, पता है मैं कितनी डर गई थी। Hey, I'm sorry, मैंने तुम्हें डरा दिया। Hey, दिल से sorry, मुझे नहीं पता था तुम इतना डर जाओगे। मैं ठीक हूँ। चलो साथ चलते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कम ऑन, कब से इंतजार कर रहा हूँ, चलो। नहीं, चलो बैठो गाड़ी। नीचे बैठो, जल्दी जल्दी नीचे बैठो। क्या क्या हुआ? अरे डैड की कार, कहीं उन्होंने हमें देख ना लिया हो। हलील भाई की कार में है क्या? हाँ, नीचे बैठो, जल्दी नीचे बैठो। गुड मॉर्निंग मिस्टर बुराक। गुड मॉर्निंग। कार वॉश के लिए ले गया था, वहीं से आ रहा हूँ। आपकी कार भी वॉश करवानी थी पर आप आज जल्दी निकल गए। हाँ सही कह रहे हैं, जल्दी निकल गया था, फिर किसी दिन ले जाइएगा। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। मैं तो पकड़ी ही जाती, तुम्हारी वजह से मुझे हर किसी से छिपना पड़ता है बुराक। अब मान भी लो, तुम्हें भी मजा आता है इसमें। बहुत ज्यादा। देखो स्माइल किया तुमने, सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं, मैंने नहीं किया। स्माइल किया? नहीं। एक पानी की बोतल दे रहा हूं। डेनिस सीजर और वोल्कन के ब्रेकअप में किसने किसको दिया धोखा? फिर से हुआ इश्क। एक्ट्रेस डेनिस सीजर और कोराय टुंग की इंटीमेट पिक्चर्स हुई वायरल, इंटरनेट पर मची सनसनी। कुछ दिनों पहले डेनिस सीजर ने अचानक वोल्कन के साथ अपना रिलेशन खत्म कर दिया और अब ये फोटोज देखकर तो साफ पता चलता है कि इन दोनों में से किसने किसको धोखा दिया। God damn it! ये अखबार भी दे दीजिए। Thank you.
अब क्या हुआ? अरे तुमने न्यूज देखी क्या? जल्दा ये मत कहना कि बुराक फिर से न्यूज में है। कम ऑन डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, इनका ब्रेकअप हो गया, मतलब इस लड़की ने वोल्कान को चीट किया। हाँ देखो ना, वोल्कान ने इस लड़की को प्रपोज किया था और देखो। हाँ उसने प्रपोज तो किया था, मुझे पता था कि वो दोनों सीरियस हैं, पर इतना सीरियस हैं ये नहीं पता था। वही तो, अब ब्रेकअप का रीजन पता चला है, उसकी जिंदगी में दरअसल कोई और था, वोल्कान का तो दिल टूट गया होगा। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। जल्दी उठ गई तुम? हाँ वीकेंड है तो क्या हो गया, लाइफ में डिसिप्लिन तो है। बहुत अच्छी बात है, तो आज क्या प्लान है बताओ, क्या मूड है? क्या आज तुम यहाँ आना पसंद करोगे? इस घर के लिए तुमने इतनी मेहनत की और मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं। ये घर तो बस एक छोटा सा तोहफा है, पर मैं जरूर आना चाहूंगा तुम्हारे पास। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, निकलने से पहले फोन करूंगा। लव यू। लव यू टू डार्लिंग। कुछ ही दिनों पहले डेनिस सीजर ने अचानक से वोल्कान माजरोलो के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया। अब इन फोटोज को देखकर हमें साफ मालूम होता है कि आखिर दोनों में से किसने किसको धोखा दिया। सही है तो लिखा है, सच में बहुत बड़ा धोखा। सुनो ना, हम बहुत लकी हैं कि हमारा बुराक चारला के साथ है। चारला बहुत स्मार्ट है, कल्चर्ड है, सुंदर है, सारे गुण है उसमें। वो कहते हैं ना कि बहू एकदम वैसी ही होनी चाहिए जैसी उसकी मदर इन लॉ हो, बिल्कुल वैसी ही बहू चाहिए थी मुझे। सच में ऐसा कहते हैं क्या? हाँ। मतलब अब तुम मदर इन लॉ बनने के लिए तैयार हो? अगर चारला हमारे घर बहू बनकर आ रही है तो मैं मदर इन लॉ बनने को तैयार हूँ। देखेंगे देखेंगे, देखते हैं। ये रास्ता क्यों लिया? ये क्लब की तरफ तो नहीं जाता? क्योंकि हम क्लब नहीं जा रहे। क्या मतलब क्लब नहीं जा रहे? कहाँ जा रहे हैं हम? तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। क्या बचपना है, बकवास बंद करो बुराक। तुम्हारे साथ एडवेंचर पर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे ऑफिस छोड़ दो प्लीज। वैसे तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी, पर इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ। बुराक मैं कह रही हूँ ना, मुझे ऑफिस छोड़ दो। देखो मेरा विश्वास करो, इस बार हम बहुत मजे करने वाले हैं। मुझे कोई मजा नहीं करना। बुराक तुम सुन रहे हो ना? कितना अच्छा लगता जब तुम मेरा नाम लेते हो, फिर से कहो ना। देखा तुम फिर से हंसी, इस बार मुकर नहीं सकती। तुम्हें भी मैं पसंद हुआ ना? नहीं। नहीं क्या? तो तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, और कभी पसंद नहीं आ सकते। अभी पसंद नहीं हूँ या आगे आ जाऊंगा? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओह कितनी इनोसेंट हो, कुछ नहीं समझती तुम। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब हम साथ नहीं थे तब वोल्कान उस लड़की के साथ था, या फिर उसके साथ होने का नाटक कर रहा था? एक बार पता लगा लेना। क्या वो जो कह रही थी वो सच है? बुराक फौरन गाड़ी रोक दो, मुझे जल्दी काम पर जाना है। चिंता मत करो, आज तुम्हारा ऑफ है। ऑफ है? पर मैंने तो छुट्टी ली ही नहीं। मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ ना। तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे गुस्सा दिलाता है। मुझे पता है तुम मुझे चाहती हो, मान क्यों नहीं लेती? तुम्हारा ये जोक सुनकर ना मैं हंस हंस के पागल हो जाऊंगी। प्यार की शुरुआत ऐसी ही होती है, पहले गुस्सा आता और फिर हंसी। कोई बात नहीं, कम से कम मैं तुम्हें हंसा तो पाया। आसान नहीं है ये। बुराक मुझे सच में काम पर जाना है, और तुम्हें मुझे इस तरह छुट्टी देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आज तो काम पर नहीं जा सकती, पर मैं समझ गया आगे से ऐसा नहीं होगा। ओके? तुम्हें भूख लगी है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब भूख लगी है,
पता था मुझे। वैसे मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। पहले उसके बाद क्या करेंगे? तुम क्या करना चाहोगी? मेरा ओपिनियन मैटर करता है क्या? तुम खुद ही प्लान बनाते हो, खुद ही फॉलो करते हो। ठीक है पहले गैस भरवा लेते हैं, बहुत दूर तक जाना है। दूर तक कहाँ जाने वाले हैं हम? पेशेंस रखो, सरप्राइज है। तो कैसी रही पार्टी? अच्छी थी, बहुत मजा आया। पता है असल भी आई थी। अच्छा, सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल। डैड, आपको भाई और असल को एक साथ देखना चाहिए था, दोनों कितने अच्छे लग रहे थे। और वहाँ सबकी नजरें उन पर ही थी। काश मैं कुछ और देर पार्टी में रुक पाता। हाँ, कितने क्यूट लग रहे थे वो। मुझे यकीन है कि उनकी जोड़ी बहुत अच्छी दिखेगी। असल बहुत अच्छी लड़की है, वो इमोशनल है, ऑनेस्ट है, बिल्कुल भाई की तरह। काश भाई और असल फिर से एक हो जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। गर्मियों के बाद चाला से बुरा के रिश्ते की बात करेंगे हम? क्या गर्मियों के बाद? बहुत लेट हो जाएगा निहाद। हम इस हफ्ते जा सकते हैं या फिर अगले हफ्ते। चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तैयारी कर लूंगी। जरा रुको सहेला, हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। हमें इस बारे में बुराक से भी तो पूछना होगा। अरे बुराक तो खुश हो जाएगा, खुशी से पागल हो जाएगा वो। हाँ सही कह रही हो, खुशी से हवा में कूदने लगेगा। हप 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 हप। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। वेलकम सर। फुल कर दो। ओके सर। अब जो होगा देखा जाएगा। उसकी बैटरी खत्म हो गई क्या? मैं पेमेंट करके आता हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं। चिंता हो रही थी, तुम्हारी बस कॉल करने ही वाली थी। गौंजा, मैं बुराक के साथ हूँ। क्या? उसके साथ क्या कर रही हो तुम? वो तो मुझे भी नहीं पता, अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आया है। ब्रेकफास्ट? मतलब इट्स अ डेट। अब तुम ऑफिशियली उसे डेट कर रही हो? क्या डेट? हाँ बकवास बंद करो गोंजा, चागला के बारे में भूल गई हो तुम? जानती हूँ, गर्लफ्रेंड है उसकी। तुम चिंता मत करो, जल्दी ब्रेकअप कर लेगा वो। हराए मैं रखती हूँ। ओके ओके, बताना मुझे क्या हुआ। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा, मतलब तुम्हारी ड्रॉइंग जैसा तो नहीं है पर ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। ये क्या है? ये जरूर तुम्हारी याद दिलाएगा, देखो ना ये कितना क्यूट है। मेरा मतलब इससे ये बहुत क्यूट है।
मांगो कुछ और मिलता है कुछ और। मुझे तो पहले से पता था, बस गर्लफ्रेंड की वजह से डाउट था, बस वो जल्दी से ब्रेकअप कर ले वरना असले उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बेटा तुम ठीक हो? न्यूज देखी मैंने। मैं ठीक हूँ डैड, जो हुआ अच्छा हुआ। एक्चुअली आप ठीक ही कह रहे थे, डेनिस का चैप्टर अब मेरे लिए क्लोज्ड है, हमेशा हमेशा के लिए। सुनो मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, पर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, शायद उसके साथ फ्यूचर में और सफर करते। ओके ओके, अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। थैंक्स डैड। मैं अभी एल्चिन से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा कोई प्लान नहीं है डैड। अच्छा अगर आप एडा को एल्चिन के बारे में बता देंगे तो अच्छा होगा, उसे किसी और से पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा। सही कह रहे हो, मुझे मौका नहीं मिला, आज रात ही बात करूंगा, उसे किसी और से पता चला तो सचमुच बहुत गुस्सा होगी। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है डैड, एडा के लिए गिफ्ट है क्या? बहुत अच्छा है मेरा प्यारा बेटा, हम बहुत जल्द मिलेंगे। हेलो माय लव। तुमने मुझे लव बुलाया क्या? ना बुलाऊं? नहीं नहीं बुलाओ ना, स्वीट हार्ट बुलाओ, लव बुलाओ, डार्लिंग बुलाओ, बेबी बुलाओ, जो मने बुलाओ ठीक है। या ऐसा करो लास्ट वाले तो मत बुलाओ क्योंकि मैंने थोड़ा एक्साइटमेंट में ज्यादा बोल दिया। ओए तुम हंसती हो तो मैं पागल हो जाता हूँ एक्साइटमेंट से। कैसी हो तुम, दिन कैसा जा रहा है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, बस बोर हो रही हूँ, दिन है कि खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों थकी हुई हो? नहीं मैं थकी नहीं हूँ, असले नहीं आई है ना, उसका ऑफ है शायद इसीलिए। और मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ। आज शाम हम मिल रहे हैं क्या? कह नहीं सकती, भैया पर डिपेंड करता है। चलो अब मुझे वापस जाना होगा, मेरी तरफ से ढेर सारी किसेस और बहुत सारा प्यार भी। और मेरी तरफ से भी। आखिर शाम तक कैसे वेट करूंगा मैं, मुझे मिस किया उसने, मिस किया, मुझे जाना चाहिए वहाँ और देखना चाहिए कि आखिर वो वहाँ पे काम क्या करती है, ताकि सबको पता हो उसका बॉयफ्रेंड है, इंसान को मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ओ मिस एमल, लाइए मुझे दीजिए, मैं फेंक दूंगा इसे। अरे नहीं नहीं रहने दीजिए। नहीं आप इसे फेंकने मत जाइए। मिस्टर हलील आपके कोट का बटन निकलने वाला है। इसे तो मैंने देखा ही नहीं, मिस्टर निहात इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा हुआ आपने देख लिया मिस एमल, थैंक्स। आप कहे तो सी देती हूँ। अरे आपको तकलीफ होगी। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है। थैंक यू। शुक्रान मुझे सुविधा का लाके दोगी क्या? हाँ बिल्कुल देती हूँ, वैसे किसका है ये? मिस्टर हलील का, बटन टूट गया तो सील लेती हूँ। ये लो एमएल। शुक्रिया। वो कूड़ा फेंक दिया मैंने। बटन टूट गया था, मिस एमएल ने कहा कि वो सिल देंगी तो मैंने अपना कोट दे दिया। अरे हलील तुम कब तक ऐसे जिंदगी गुजारोगे भला? हाँ तुम्हें कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम्हारी मदद करे, तुम्हारा साथ दे। कम ऑन, इस उम्र तक कोई नहीं मिला तो अब मिलने का कोई चांस नहीं। उम्र से क्या होता है हलील, असल में यही उम्र है जब सच्चे पार्टनर की जरूरत पड़ती है, जवानी में तो हम ऐसे ही जीते हैं। बात तो सही है। हो गया,
सारे बटन अच्छे से सी दिए हैं, आप देख लीजिए। शुक्रिया मिस एमएल, आपके हाथ हमेशा सलामत रहे। शुक्रिया किस बात का? हलील, ये शॉपिंग की लिस्ट है। हलील, लिस्ट। जी, एक बार फिर से शुक्रिया, आपके हाथ हमेशा सलामत रहे। बहुत अच्छा काम किया तुमने। हलील को कितना अच्छा लगा तुमने उसकी मदद की। तो ये तो मेरा फर्ज था। हलील ने मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी, सारा फर्नीचर शिफ्ट कराया था। हलील ने अब तक शादी क्यों नहीं की, इसके बारे में कुछ पता है? हलील को अपने गांव की एक लड़की से प्यार था, जब उसकी शादी कहीं और हो गई तो हलील का दिल टूट गया बेचारा। अच्छा, एमर, तुम्हें हलील के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला भला? बस एक रात वो देर से आया था तो हमने। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो शुक्रा? नहीं तो मैं कहाँ घूर रही हूँ। अरे देखो, अभी भी घूर रही हो तुम। ये लो, रखो अपना सुई धागा। ठीक है ठीक है, अब नहीं घूरूंगी। मत करो ऐसा, मुझे ये सब पसंद नहीं। ओके। हे, तुम तो कुछ भी नहीं कर रही हो। तुम ही नहीं तो कहा था कि आज मेरी छुट्टी है। तुम चाहो तो कुछ अच्छा म्यूजिक लगा सकती हो, उसकी बात कर रहा था मैं। देखा, हमारे लाइक्स कितने ज़्यादा कॉमन हैं। सच बताऊं तो मैं सरप्राइज्ड हूँ। सरप्राइज क्यों? हम दोनों के लाइक्स कॉमन नहीं हो सकते क्या? अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अजीब है ना ये? मुझे नहीं लगता कि दो लोग एक जैसे हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ता है। बस उनके दिल साथ धड़कने चाहिए। Mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.